मेरठ उत्तर प्रदेश के जनसंपर्क कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे, जब उनका काफिला सीजारसी टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 9 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था, दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दिए। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे 2 अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से 1-1 और 1 ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटनास्थल और वाहन का फोरेंसिक टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है, कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनंती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करे। धन्यवाद। माननीय डॉक्टर वी पिनय सहस्रबुद्धे। धन्यवाद उपसभापति जी, मैं भाषण को राज्यसभा में बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में बताया है कि ओवैसी का हापुड़ में कोई कार्यक्रम नहीं था जिसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन हमले के बाद स्थानीय प्रशासन की ओर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही ओवैसी की सुरक्षा के लिए जेड श्रेणी की सुरक्षा देने के आदेश दिए गए हैं। दिनांक 3 फरवरी 2022 को सायंकाल लगभग 5:20 श्री असदुद्दीन ओवैसी सांसद लोकसभा किठोर मेरठ उत्तर प्रदेश के जनसंपर्क कार्यक्रम करने के बाद दिल्ली लौट रहे थे, जब उनका काफिला सीजारसी टोल प्लाजा नेशनल हाईवे 9 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ उत्तर प्रदेश से गुजर रहा था, 2 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उनके काफिले पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में श्री ओवैसी सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके वाहन के निचले हिस्से में 3 गोलियों के निशान दिखाई दिए। उक्त घटना को 3 गवाहों द्वारा देखा भी गया। इस संदर्भ में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध संख्या 45/22 अंतर्गत धारा 307 भारतीय दंड संहिता और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 1932 थाना पिलखुआ जनपद हापुड़ में
पंजीकृत किया गया और इसकी विवेचना की जा रही है। श्री ओवैसी का जनपद हापुड़ में पूर्व से कोई कार्यक्रम नियत नहीं था और न ही आवागमन के बारे में कोई पूर्व सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को भेजी गई थी। तो गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में बताया है कि किस तरह से ओवैसी पर हमले के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की गई है, मुकदमा दर्ज किया गया है, साथ ही उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। श्री ओवैसी घटना के पश्चात सुरक्षित दिल्ली वापस पहुंच गए। जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। विवेचना के क्रम में स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनसे दो अनधिकृत पिस्तौल प्रत्येक से एक एक और एक ऑल्टो कार की बरामद की गई है। घटनास्थल और वाहन का फोरेंसिक्स टीम द्वारा सूक्ष्मता से जांच किया जा रहा है और साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। दोनों अभियुक्तों से उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। जनपद में कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में और सामान्य है, कड़ी सतर्कता भी बरती जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत ही राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त की गई है। पहले भी कई मौकों पर केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के खतरे के आकलन के आधार पर श्री ओवैसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं, लेकिन श्री ओवैसी द्वारा सुरक्षा लेने के लिए अनिच्छा के कारण दिल्ली पुलिस और तेलंगाना पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का प्रयास सफल नहीं हो पाया। श्री ओवैसी के खतरे का पुनः मूल्यांकन कराया गया है और खतरे के आकलन के आधार पर उनका दिल्ली में बुलेट प्रूफ कार के साथ अखिल भारतीय स्तर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की जेड श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। मेरा वक्तव्य समाप्त हुआ, मगर हमारे पास जो मौखिक सूचनाएं श्री ओवैसी के द्वारा भेजी गई, उन्होंने अभी भी सुरक्षा लेने से इनकार किया है। मैं सदन के माध्यम से श्री ओवैसी को विनंती करना चाहूंगा कि वो तत्काल सुरक्षा ले ले और हम सबकी चिंता का समाधान करे। धन्यवाद। तो गृहमंत्री का राज्यसभा में बयान, ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा लेने की अपील की गई है। संवाददाता रविंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, गृहमंत्री का ये बयान, संसद में उन्होंने साफ कहा है कि सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात सरकार ने कही है, लेकिन ओवैसी सुरक्षा नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, जब असदुद्दीन ओवैसी शुक्रवार को लोकसभा में अपना बयान दिए थे अपने ऊपर हुए हमले के बारे में, पहले स्पीकर को जानकारी दी, उसके बाद लोकसभा में उन्होंने वक्तव्य पढ़ा था, उसके बाद हम लोगों से बातचीत उनकी हुई थी, हमने ये पूछा था कि आप सिक्योरिटी क्यों नहीं ले रहे, क्या सरकार की सुरक्षा एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा था कि हम किसी बंदिश में नहीं रहना चाहते हैं, अगर सरकार चाहे तो हमें अपने निजी खर्च पर बुलेट प्रूफ गाड़ी और एक पिस्टल की बात कही थी, जो अपने निजी खर्च पर उनके पास लाइसेंस भी है वो रखना चाहेंगे। लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से कहा, सदन से की तरफ से भी अपील की कि उनकी सुरक्षा पूरे देश में के लिए रहेगा, सीआरपीएफ की जेट सिक्योरिटी उनके पास है, बुलेट प्रूफ गाड़ी भी रहती है, चूंकि सिक्योरिटी जेट सिक्योरिटी में बुलेट प्रूफ गाड़ी सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती है जी। और उन्होंने अपील की वो इसे स्वीकार करें, लेकिन ओवैसी अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किए हैं और बार बार कह रहे हैं कि वो किसी बंदिश में नहीं रहना चाहते हैं। रविंद्र, ऐसे में क्या माना जाए, इस मामले को अब यहां पर पटाक्षेप इसका हो जाएगा या इस पर अभी और सियासत होने के आसार हैं? देखिए, सियासत तो जाहिर सी बात है, इस पर कई तरह के सियासत होते हैं और वैसी भी दबे अगर कहा जाए तो संकेतों में वो अपने ऊपर जो हमला हुआ थे उसको लेकर संकेतों में बात कर रहे थे। सरकार के लिए सबसे बड़ी मुश्किल यही है, सरकार चाहती है कि उनको सिक्योरिटी मिल जाए, क्योंकि वो जिस तरह से वक्तव्य में उनका रहता है या उनके भाई का रहता है, हो सकता है कोई खास वर्ग नाराज हो, कुछ दूसरे तरह के कार्य करे, सरकार कतई नहीं चाहती है उनको बिना सुरक्षा घूमने दिया जाए। बहुत शुक्रिया रविंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो राज्यसभा में गृहमंत्री अमित शाह का बयान, ओवैसी को जेड कैटेगरी की सुरक्षा ऑफर की गई है और कहा है कि ये सुरक्षा वो ले लें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए जी न्यूज। प्रेजेंटिंग जी न्यूज ऐप, अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर, डाउनलोड इट नाउ।